देश के अधिकांश हिस्सों में इस बार बारिश ने अपना कहर बरपाया है। कहर भी ऐसा कि लोग घर व्यापार छोड़ने को मजबूर हुए। मध्य प्रदेश में भी बारिश के कहर की वजह से कई इलाके जलमग्न होने के साथ बाढ़ की चपेट में आ गए थे। वैसे तो हर बार दिवाली के पहले ही बारिश लौट जाती थी, लेकिन इस बार हुई भारी बारिश के लगातार चलने पर अनुमान लगाया जा रहा था कि दीपावली के बाद बारिश से निजात जरूर मिलेगी। लेकिन अब मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अरब सागर में एक बार फिर नया सिस्टम बन रहा है, जो 5 नवंबर के बाद फिर बारिश की वजह बन सकता है। इस सिस्टम की वजह से खासकर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के कयास भी लगाए जा रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ संजय शर्मा का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने सुपर साइक्लोन की वजह से प्रदेश में भारी बारिश का दौर रहा था। अगले एक सप्ताह तक भी आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। हालांकि 5 नवंबर के बाद भी इंदौर में हल्की बारिश होने का अनुमान है। कि अभी हमको बारिश के मौसम में दीपावली के समय भी बारिश प्राप्त हुई है और अभी लगातार हमें बारिश की स्थिति बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से। मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में काफ़ी, जैसे कि भोपाल है, बैतूल है, इस तरफ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। इसका जो प्रमुख कारण है वो एक सुपर साइक्लोन की स्थिति बनी हुई थी और ये अरब सागर से और बंगाल दोनों तरफ से हमारे यहाँ आ रहा था, उसकी वजह से ही हमें बारिश प्राप्त हो रही थी। अभी ये जो साइक्लोन है ये आगे की ओर बढ़ता हुआ ओमान की तरफ निकल गया है, परंतु अभी भी जो विंड्स हैं वो मौसरिए हुए हैं, तो अभी भी हल्की फुल्की बारिश और क्लाउडी वेदर रहने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। खासतौर से नीमच मंदसौर साइड अभी भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, वहाँ पर अभी भी हल्की बारिश हो सकती है और उसके बाद थोड़ा सा स्थिति में सुधार हो सकता है। परंतु 5 नवंबर के आसपास एक और अरब सागर में सिस्टम बन रहा है, अगर वो सिस्टम हमारे यहाँ आता है, उसका प्रभाव परिलक्षित होता है, इसका भी डायरेक्शन यही रहेगा, तो उस समय पुनः हमें हल्की बारिश प्राप्त हो सकती है, क्लाउडी वेदर रह सकता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले एक आध हफ्ते तक हमें बारिश से बहुत ज़्यादा निजात न मिलने की संभावना है। इंदौर में तो वैसे तब भी कम बारिश की संभावना है, परंतु आसपास जो हमारा मंदसौर है, नीमच है, बैतूल है, इन क्षेत्रों में बारिश की अभी संभावनाएं बनी।